तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन से बर्थडे का बैनर कैसे बना सकते हो। तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो यहां मैं पिक्सल लैब में जाता हूं और यहां पे आप स्क्रीन में देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह बर्थडे का पोस्टर बैनर बनाना हुआ तो कैसे आप बनाओगे, तो आज के इस नए वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको बनाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए आप जो इस वीडियो को देखिए। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो बैनर पोस्टर आप यहाँ पे देख रहे हो इसका जो प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको इस बैनर के बारे में कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में जाने के बजाय यहाँ मैं अपने व्हाट्सएप में चले जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको जो ऐसा लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको जो उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो लिंक रहेगा आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। लिंक को ब्राउज़र में ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बर्थडे बैनर के नाम से आपको जो फाइल का नाम नजर आएगा, साइड में आपको एक छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो भी इमेज रहेगा वो यहाँ पे आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी फाइल दिया रहेगा वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो फाइल को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे मैं पहले पिक्सल लैब में जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक पीएनजी इमेज यूज किया हुआ है जिसमें लिखा गया है डेट 11 नवंबर करके। तो यहाँ पे आपको जो भी डेट में यानी जो भी डेट का रहेगा आपका बर्थडे का जो भी डेट रहेगा तो उसको यानी उसका आपको एक पीएनजी इमेज डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 11 नवंबर का एक पीएनजी इमेज डाउनलोड किया हुआ है, तो अगर आपको ऐसा पीएनजी इमेज डाउनलोड करना हुआ तो कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना हुआ। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो, इस एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन करके। तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर आपको इसका जो होम पेज कुछ इस तरीके नजर आएगा और यहाँ पे आपको जिस भी डेट का चाहिए आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे जो है 11 मार्च का चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके आगे मार्च, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखने के बाद पीएनजी लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इमेज और यहाँ पे आपको लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सर्च करो तो यहाँ पे आपको कई सारे जो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो यहाँ पे आपको पीएनजी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आप डेट यहाँ पे लिखोगे उसी डेट से यहाँ पे आपको कई सारे पीएनजी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है, बस खाली ढूंढने में टाइम लगेगा, जो भी लगेगा यहाँ पे आपको पीएनजी डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कई सारे आपको जो यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डेट लिखोगे तो और जल्दी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डेट लिख के सर्च करता हूँ और यहाँ मैंने इसको डन करके मैं सर्च किया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 11 जो मार्च से आपको एक पीएनजी यहाँ पे आ चुका है और एक यहाँ पे आ चुका है। ऐसे अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पे कई सारे आपको मिल जाएंगे। आप फरवरी 11 फरवरी का भी दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे आप उसको उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेट पीएनजी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो उसको आपको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो इमेज लोडिंग करेगा कुछ टाइम तक यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसका आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी इमेज रहेगा दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह डाउनलोड कर लेना है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते 13 मार्च हो गया, 21 मार्च हो गया, 5 मार्च हो गया, 4 मार्च, 10 मार्च, 7 मार्च, ऐसे आपको हर एक महीने के हर एक पीएनजी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बस खाली सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से कुछ डाउनलोड किया हो तो यहाँ मैं अभी के लिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको करना है, यहाँ पे अभी आपको फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मेरा ये रहा फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जैसा आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपको सामने कुछ इस तरह इसका जो होम पेज नजर आएगा। यहाँ पे आपको अपने फोन स्टोरेज में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अभी आपको उस फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो फाइल ऐड है डाउनलोड का फोल्डर में ऐड है, तो ये रहा मेरा डाउनलोड का फोल्डर, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फोल्डर में, तो यहाँ पे आप देखोगे बर्थडे बैनर डॉट जी आई पी के नाम से आपको जो है फाइल नजर आएगा। अभी आपको इस फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस फाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो फाइल कुछ इस तरह बर्थडे बैनर डॉट पी एल पी के नाम से नजर आएगा। नीचे आपको एक्सट्रेड ऑल करके ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन लिखा गया है एक्सट्रेड टू डाउनलोड करके, यानी कि आपको जो पी एल पी फाइल है आप इसी डाउनलोड के फोल्डर में एक्सट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फोल्डर करके, यानी कि आपको जो पी एल पी फाइल आप किसी और फोल्डर में अलग से एक्सट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके आप उस फोल्डर में अपने फाइल को एक्सट्रेड करोगे। तो अभी के लिए मुझे जो इस फाइल को अपने इसी डाउनलोड के फोल्डर में एक्सट्रेड करना है, तो यहाँ मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पासवर्ड डालना है, जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो में आपको तीन जगह पर पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं उस पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लिया हुआ है, लिखने के बाद आपके यहाँ पे ओके कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी फाइल दिया रहेगा वो फाइल यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट करके कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपको यहाँ पे अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो पिक्सेल एप्लीकेशन कुछ इस तरह, जो स्टार्टिंग में आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको अपने इस माय प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे मैं आपको जिस बैनर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बैनर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पहले से यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐड किया हुआ है बर्थडे बैनर के नाम से, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पे आप जो मेरे लिंक से डाउनलोड करके उसको आपको यहाँ पे कैसे ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे अभी आपको अपने यहाँ पे देखोगे साइड में आपको .plp करके ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे दोस्तों मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ, देख सकते हो मेरे उस फोल्डर में जितने भी सारे फोल्डर हैं वो सारे फोल्डर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में हमने पील फाइल को रखा हुआ है। तो मेरा जो फोल्डर का नाम था बर्थडे बैनर के नाम से था, तो यहाँ पे आप देखोगे बर्थडे बैनर के नाम से आपको जो यहाँ पे फाइल यानी फोल्डर दिखाई दे रहा हुआ तो आपको उस फोल्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो बर्थडे बैनर .plp के नाम से आपको फाइल यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको इस फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो पील फाइल है उसके बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन लिखा गया ओपन ओनली करके, यानी कि आप जो अपने बैनर को एडिटिंग करने के लिए पिक्सल लेवल किसने ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है ओपन एंड ऐड करके। तो अगर आप अपने PLP फाइल को पिक्सल लेवल किसने ओपन करना चाहते हो साथ में ऐड भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आप जो पील फाइल आपके पिक्सल लेवल किसने ओपन हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो मेरा जो पील फाइल ऐड कहाँ पे हुआ है तो उसके लिए इस माय प्रोजेक्ट के ऑप्शन क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर ये भी मैंने जो ऐड किया पील फाइल वो मेरा यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है और मेरा जो पहले वाला है वो मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे फाइल को ऐड करने और जब चाहे तब आप इस फाइल पर क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो पील फाइल आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या एडिटिंग करना है, कैसे आपको यहाँ पे अपना बैनर पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाने के लिए तो इस फोटो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको नीचे इस थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको चले आना है जो है टेक्स्चर के ऑप्शन पे। आने के बाद यहाँ पे आपको गैली का ऑप्शन मिलेगा, एक वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप अपने गैली में आ जाओ और यहाँ पे आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस यानी जिसका बर्थडे है आप जिसके बर्थडे का आप बैनर बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास कई सारे इमेज हैं तो यहाँ पे चलिए मैं कोई एग्जाम्पल दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैं कोई इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन देखते हो मेरे पास कई सारे इमेज हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस लड़के का PNG इमेज को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो 6x8 वाला साइज है आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है, नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे मेरा जो यहाँ पे इमेज कुछ इस तरह ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आपको स्केल अपने हिसाब से जो अपने इमेज के हिसाब से बड़ा छोटा कर देना है, उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ मेरा जो इमेज सेट हो चुका है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह अपने जो इमेज को सेट कर लेना। और यहाँ पे आपने जिसका भी इमेज लगाया रहेगा आपको उसका नाम लिखना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा हो जिसको मैं सेलेक्ट करके डबल टैप करता हूँ। जैसे यहाँ पे इस लड़के का नाम मान लीजिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ मैं चलिए अपने कीबोर्ड को जो हिंदी में सॉरी दोस्तों इंग्लिश में करता हूँ। यहाँ पे आप ये जो नाम इंग्लिश में भी लिख सकते हो हिंदी में भी लिख सकते हो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने सारे वर्ड को कैपिटल में किया, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपना नाम लिखा और यहाँ पे मैं जो डन करता हूँ और यहाँ मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो मेरा नाम यहाँ पे लिखा चुका है। और यहाँ पे दोस्तों आपको डेट डालना है जो भी आपको डेट का बर्थडे है, तो इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन में वहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो इमेज डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने डेट का जो बर्थडे का जो आपका डेट हो वो लगाने के लिए प्लस के आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे अपने जो भी डाउनलोड करके जहाँ पे भी रखा हुआ है आप उसको ओपन कर लोगे। तो जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करता है मेरा यहाँ पे आ चुका है साइज में छोटा करके, इसको मैं यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मेरा जो सेट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो भी इमेज को डाउनलोड करोगे जो भी डेट के इमेज को उसको आपको यहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। और सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने लिखा फ्रॉम मोबाइल ग्राफिक्स करके, तो यहाँ पे जैसे आप बना रहे हो तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे और क्या आपकी कोई कंपनी है तो आप उसका कंपनी का भी नाम लिख सकते हो। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ मैं डबल टैप के सेलेक्ट करके डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा उसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ अपना इनाम। तो यहाँ पे क्योंकि मैं ही बैनर को बना रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं माल जी अपना नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो अपना नाम लिखा और डन करता हूँ मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो मेरा नाम आ चुका है। इसी तरीके से आप इस नाम को भी लिख सकते हो और यहाँ पे जो कुछ भी चेंज करना हो तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
बस आपको इतना ही काम करना है कुछ इस तरह के बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जब आपका इस तरह का बैनर पोस्टर बना के कंप्लीट हो जाए तो इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा। तो उसके लिए शेयर के ऑप्शन क्लिक करोगे और क्लिक करते आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे देखोगे डायमेंशन में आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपको डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो भी बैनर पोस्टर बना रहेगा वो बैनर पोस्टर आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही काम करना चाहिए दोस्तों, अभी कुछ इस तरह बैनर पोस्टर को बनाइए। इसका जो पेज फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ पासवर्ड तो आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।